स्पाइसी चिकन करी मसाला एक बार इस तरह से बनाकर खाएंगे तो बार बार बनाएंगे, पक्का गारंटी है। इसका ग्रेवी देखिए, इसका कलर देखिए, और जब आप इसे खाएंगे ना तो स्वाद मुंह में लगा रहेगा। चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने 700 ग्राम चिकन ले लिया है, जिसे मैंने धो के पहले अच्छे से पानी छान लिया है, और जो बड़े लेग पीस है उसे हमने कट लगा लिया है या चिरा लगा लिया है। अब हम इसमें छोटा एक चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे, छोटा एक चम्मच नमक डालेंगे, दो चम्मच मस्टर्ड ऑयल डालेंगे यानी राई का तेल। इस समय राई का तेल डालना बहुत ज़रूरी है इस रेसिपी में। अच्छे से हमने इसे मिला लिया, अच्छे से मिला के हम इसे साइड कर देंगे और मसाला की तैयारी करेंगे। यहाँ पर मैंने मीडियम साइज के 5 प्याज लिया है, 1 टमाटर, 5 लहसुन की कली और 5 हरी मिर्च लिया है, इसे हमने काट लिया है। मैंने 4 ही प्याज लिया है, एक साइड कर दिया है। नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे। एक भगोना में हम डालेंगे करीब 1/2 कप जैसे मस्टर्ड ऑयल या राई का तेल। तेल को अच्छे से गर्म होने देंगे, फिर हम गैस को कम कर देंगे। इसके बाद हम इसमें थोड़ी सी खड़े मसाले ऐड करेंगे। 1 तेजपत्ती, 1/2 चम्मच जीरा, 3 छोटा टुकड़ा दालचीनी, थोड़ी सी लौंग, 4-5 इलायची और 2 स्टार फूल के पपड़ी। सारे मसाले हम इसमें डाल देंगे और 5-10 सेकेंड इसे ऐसे ही भूनने देंगे, थोड़ा सा इसे इस तरह से मिला ले। अब हम इसमें लहसुन डाल देंगे, जिसे हमने लंबाई में चॉप कर लिया है। ये जो फ्लेवर है ऑयल के साथ में बहुत ही बढ़िया एरोमा यानी खुशबू देते हैं। अब हम इसमें प्याज ऐड करेंगे और प्याज को हमें अच्छे से भून लेना है। करीब 5-6 मिनट आपको लग जाएगा प्याज को फ्राई करने में। तो देखिए प्याज हमारा फ्राई हो गया है। इस समय हम चिकन ऐड कर देंगे, तो जो बड़े पीस है वो हम पहले डाल देंगे। सारे चिकन हमने इसमें डाल दिया है। ऑयल और प्याज के साथ में हमें चिकन को अच्छी तरह मिला लेना है। 1-2 मिनट हमने चिकन को मिला लिया है। इस रेसिपी को मैं बहुत शॉर्ट में बताऊंगी आपको। अब हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच भर के लहसुन का पेस्ट, फ्रेश लहसुन का पेस्ट डाले और फ्रेश अदरक का पेस्ट। तो 1.5 चम्मच मैंने यहाँ पर अदरक का पेस्ट डाला। इसे भी चिकन के साथ में अच्छे से मिला लेना है। जस्ट मिलाने में जितना टाइम जाता है, तो हमने इसे मिला लिया है। इस समय हम डालेंगे हरी मिर्च और लंबाई में कटी हुई टमाटर। साथ ही हम इसमें स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे। इसको भी हमें मिला लेना है। हरी मिर्च और टमाटर डाल के हमें इसे 2-3 मिनट चिकन के साथ में अच्छे से भूनना है। ये जो हरी मिर्च का जो फ्लेवर है ना, वो चिकन के अंदर तक चला जाएगा और ये खाते समय सच में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। यहाँ पर मैंने थोड़ी सी जावित्री का फूल लिया है, इसे हम मचल के इसमें डाल देंगे। इसे भी मिला लेंगे। तो चिकन हमने अच्छे से मिला लिया है। अब हम इसमें मसाला ऐड करेंगे। छोटा 1 चम्मच देगी लाल मिर्च पाउडर, छोटा 2 चम्मच धनिया पाउडर भर भर के डाले, थोड़ी सी और डाला है, छोटा 1 चम्मच हल्दी पाउडर, छोटा 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, छोटा 1 चम्मच भर के मीट मसाला पाउडर। जी हाँ, मीट मसाला पाउडर, चिकन मसाला नहीं। अब हम चिकन के साथ में मसाला को अच्छे से मिलाएंगे। चिकन के साथ में मसाला को हमने अच्छे से मिला लिया है। अब हम गैस को लो कर देंगे और इसे ढक के 5 मिनट तक पकने देंगे। 5 मिनट के बाद ढक्कन को हटाएंगे और देखिए ऑयल सेपरेट होने लगा है, मतलब ऑयल ऊपर आ गया है और मसाला हमारा अच्छे से भून गया है। इस चिकन में हरी मिर्च डालना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने हरी मिर्च डाल के चिकन को मिलाया है ना, आप भी सेम ऐसे ही करना। फिर आप बोलोगे लीना आपने ये नहीं किया। अब हम इसमें गरम पानी ऐड करेंगे। मैंने साइड वाला ओवन में पानी को गरम कर लिया था। पानी डालने के बाद चिकन को हमें अच्छे से मिला लेना है। गरम पानी डालने से चिकन का जो कुकिंग प्रोसेस है वो बना रहता है, स्टीप नहीं हो जाते हैं। अब हम इसे ढक के 5-7 मिनट पकने देंगे लो मीडियम फ्लेम में। 5-7 मिनट के बाद ढक्कन को हटाएंगे और इस समय हम धनिया पत्ता के जो डंठल होता है मोटा मोटा, वो करीब भर के 1 चम्मच डालना है, और 1 चम्मच भुनी हुई जीरा पाउडर और थोड़ी सी गरम मसाला इस समय हम डालेंगे।
डालने के बाद इसे भी हमें अच्छे से मिला लेना है। फ्रेंड्स, अभी तक अगर मेरे चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। अच्छे से इसे मिला लेना है। अब हम इसे ढक के 10 मिनट तक लो मीडियम फ्लेम में पकने देंगे और फिर हम गैस को बंद कर देंगे। 10-12 मिनट हमने इसे लो मीडियम फ्लेम में पकाया और चिकन देखिए हमारा, देख के ही मुंह में आपके पानी आ गया है ना। चिकन बहुत अच्छे से गल गया है और ग्रेवी भी बहुत जबरदस्त टेस्टी बनी है। चाहे आप इसे रोटी के साथ खाएं, चाहे आप राइस के साथ खाएं, टेस्ट तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया लगेगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए रेसिपी के साथ।